इंदौर में ड्रग मामले में आंटी और उसके कुछ साथी जेल जा चुके हैं। कुछ साथी पुलिस रिमांड पर हैं। अब इस गैंग में पुलिस कनेक्शन भी सामने आया है। शनिवार को नारकोटिक्स ब्यूरो के दो आरक्षकों को पुलिस ने रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये ड्रग्स मामले में जनसंचालक को फंसाने की धमकी दे रहे थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इंदौर ड्रग मामले में 3 लाख की रिश्वत लेने के मामले में विजयनगर पुलिस ने जिम संचालक की शिकायत पर नारकोटिक विभाग के दो आरक्षक और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरक्षक जी राई जिम में पहुंचे थे और 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। सूचना के बाद विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि दोनों जवान ड्रग माफियाओं से लगातार पकड़ाए जाने के बाद जिम संचालक से रुपए मांगने पहुंचे थे। दोनों आरक्षक एनसीबी के बताए जा रहे हैं। माफियाओं पे कई पब और जिम संचालक भी लिप्त हैं, इसका फायदा उठाना चाह रहे थे। अपराध जो हो रहे हैं इसमें युवतियों की काफी संलिप्तता पाई जा रही है सर, क्या इसके पीछे की एक वजह मानी जाती है? मैं चूंकि पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, मेरा नाम मदन राणे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ओके, मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, थोड़ा बहुत अनुभव जरूर है मुझको। और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी, मैं देखता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा कारण जो है माँ बाप और बच्चों का आपसी संपर्क टूट गया है, एक दूसरे की विश्वसनीयता ख़त्म हो गई है। इसका मेन कारण है शहरीकरण तो है ही सही, शहर में बाहर से लोग जो बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे उनका कोई नियंत्रण होता नहीं है, नहीं होता, और माँ बाप तो उनको खर्चे एक सीमित मात्रा में भेजते हैं जिसमें उनका गुजारा हो जाए, लेकिन वो सीमित खर्च जो होता है वो कई बार तो हम देखते हैं कि एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है, तो फिर बाकी कैसे चले। बस क्राइम वहीं से स्टार्ट होता है, इन बच्चों का, इन बच्चियों का दुरुपयोग वहाँ से चालू हो जाता है के संपन्न घर के लड़के उनको मोटरसाइकिल कार में घुमाते हैं, उनके खर्च को पूरा करते हैं उनको, और उनको गलत आदतों में डालते जाते हैं। ये लोग भी पैसों के बल पे गलत आदतों में शुमार हो जाते हैं ये, और चूंकि इनके माँ बाप का कोई इन पर नियंत्रण होता नहीं है, क्योंकि हर कोई तो पैसों के पीछे भागता रहता है, उन्होंने कभी ये चाहा ही नहीं या सोचा ही नहीं कि अपने बच्चों को किस तरीके से ग्रोनअप किया जाए, वो संस्कार वो डाले नहीं, इसलिए बच्चे उछलंक हो जाते हैं। आप भी देखते होंगे शहरों में, आप निकल जाइएगा यहाँ से तो ये महसूस करते हैं कि उनमें अपराध बोध मर गया है। अगर ट्रैफिक साइन पे रेड सिग्नल है, कोई पुलिस वाला नहीं है, तो वो ये सोचते हैं कि अधिकारी चले गए, उनको अपराध बोध मर गया है, अपराध बोध ही खत्म हो गया है। तो ये अपराध बोध जब तक उनको जागेगा नहीं और ये संस्कार मिलेंगे उसको अपने परिवार से, अपने सर्कल से, मुश्किल बस यहीं से चालू हो गई है कि वो संस्कार उनको मिलना ख़त्म हो गए हैं, बंद हो गए हैं, इसलिए ये जनरेशन बहुत उछलंक हो गई है। नशे के आदि होते जा रहे हैं लड़के, क्राइम में सम्मिलित होते जा रहे हैं, बाहर से पढ़ने वाली लड़कियां जो यहाँ पे आती हैं वो उनकी गलत सोबत में पड़ जाती है। आप देखते हैं कि ये शराब पीने भी लड़कियों में लत लग गई है, नशे की लत भी लग गई है, और इस पर नियंत्रण, हमने एक बार मुहिम चलाई थी यहाँ पे, पहले तो प्रेस ने उसको तारीफ़ किया था, टीवी में भी काफ़ी तारीफ आई थी, लेकिन बाद में उसकी भी आलोचना हुई। वो मुहिम ये थी कि हम जो बुज़ुर्ग लोग जहाँ जहाँ ऐसे वेनरेबल पॉइंट थे जहाँ लड़के लड़की इकट्ठा होते थे उनको समझाइश देने के लिए चले जाते थे, लेकिन इसका पहले तो असर बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये लोग इतने गुस्ताख हो जाते थे कि एक घटना ही बता दूँ, एक लड़की ने तो बहस किया बहुत, तो मैंने कहा बेटा तुम हमारे बच्चे हो, बच्चे जैसे हो, तुम्हारे पेरेंट तो यहाँ है नहीं, आप हमारी चाहो तो अपने बाप से बात करा दो। तो पहले तो तैयार नहीं हुई, फिर अपने बाप से बात कराई, झाबुआ में कोई एक अधिकारी थे वो उस लड़की के पिता, मैंने उनसे बोला कि ये आपकी लड़की यहाँ बहुत गलत सोबत में पढ़ रही है, आप ध्यान देते, तो वो मुझसे नाराज़ी में बात करने लगा, बोले हमारी लड़की पर दोषारोपण कैसे करते हैं आप। मैंने कहा आप कहाँ पर हैं, कौन बोल रहे हैं, तो उसने अपना परिचय भी दिया, तो मैंने कहा बस 5 मिनट रुकिए, एसपी झाबुआ को मैं खबर करता हूँ, वो आके आपसे बात कर लेगा। मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहा हूँ और मैंने पाया और इसलिए देखा और आपको बताया कि बच्चे आपके पास ही पढ़ने आए हैं, आप पे तो आप तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम इनके माँ बाप बन के इनको देखना चाहते हैं, इनको संस्कार देना चाहते हैं, इसलिए हम इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उल्टा समझ रहे हैं। तो जैसे ही मैंने अपना परिचय दिया तो वो डिफेंस में आ गए, वो बोले सर ठीक है आप इनको समझाइए, गलत सोबत में पड़ गई होगी बच्ची,
और इनको डांट दीजिए, अच्छे से पीट दीजिए, जो चाहे सो करिएगा। तो इससे सीधा मतलब ये निकलता है कि माँ बाप का वो संपर्क टूटने से ये बच्चे उछलंक होते चले जा रहे हैं। माता पिता का सर कहीं ना कहीं इन पे ध्यान नहीं, कहा ना ध्यान दे ही नहीं पा रहे ना, मुश्किल तो यही है। और इतने उछलंक हो गए आज की परिस्थिति को देख के कि माँ बाप आसानी से नियंत्रण भी नहीं कर पाते, और जो करने की कोशिश करता है तो वातावरण ऐसा बन गया है कि उनमें डिप्रेशन आ जाता है। बच्चों में डिप्रेशन आ जाए, या तो वो ऑफेंसिव हो जाए, माँ बाप के प्रति अपराध करने लगें, या सुसाइड कर लें। सुसाइड के केस भी इसीलिए बढ़ रहे हैं। किस चीज़ की इनको ज़रूरत है, आवश्यकता है समाज में सुधार? अभी सबसे बड़ी ज़रूरत इनकी मानसिकता को सुधारने की है, और वो सुधारने के लिए हमें सामाजिक स्तर पे लोगों को आगे इनको जगह जगह समझाइश देना पड़ेगी। माँ बाप को भी चाहिए कि इनको समझाएं, बट ये इनको जो समाज में कुछ स्थिति गेन कर चुके हैं बुज़ुर्ग लोग, इनके पास अगर कोई काम नहीं है तो यही इस काम को हाथ में लें कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें। वो तो जाएं जैसे वेंडेबल पॉइंट है, आप देखिए यूनिवर्सिटी के तरफ शाम को चले जाइए, वहाँ लड़के लड़की किस हालत में मिलेंगे, सिरपुर तालाब चले जाइए, पीपलिया पाला, या फिर मेघदूत में ही चले जाइए, वहाँ देखिए स्थिति, वहाँ जाके इनको समझाइश दीजिए जैसे हमने पहले चालू किया था। ये तो काफ़ी करना चाहिए ये बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे अपने बच्चे हैं। इनको सिर्फ दिमाग में एक चीज़ समझा दी जाए कि ये सब कुछ करने के लिए एक उम्र पड़ी है। आज तो जो उम्र है वो अपने कैरेक्टर को बनाने की और अपने भविष्य को सुधारने के लिए उम्र है, उसके लिए प्रयास करें, अपना व्यक्तित्व विकसित करें, अपना कैरियर बनाएं, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी तो उसके लिए उम्र पड़ी हुई है, वो करते रहेंगे। सर आपका नाम और डेजिनेशन? मदन राणे, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वही जिम संचालक प्रतीक जोशी ने बताया कि सुबह 10 बजे नारकोटिक विभाग के दो जवान उनकी जिम में पहुंचे और जिम ट्रेनर शाम को ड्रग मामले में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपए मांगने लगे और ट्रेनर को जिम के नीचे ले गए। जिम संचालक की शिकायत पर विजयनगर थाना पुलिस ने दोनों जवान सहित उनके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों जवान नारकोटिक विभाग में पदस्थ हैं। फिलहाल पुलिस दोनों ही जवानों से पूछताछ कर रही है। लगातार जो शहर में अपराध हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं लड़की युवतियों की भी संलिप्तता पाई जा रही है, क्या इसके पीछे का कोई रीजन या कारण हो सकता है? देखिए, इसके पीछे कोई एक प्रमुख वजह नहीं, इसके पीछे इन वजहों को अगर अपन आकलन करें तो इन वजहों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो सामाजिक वजह, दूसरा पारिवारिक, तीसरा व्यक्तिगत वजह। जो सामाजिक वजह होती है वो ये है कि जो समाज में जिस तरीके की आधुनिकता के नाम पर परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से इस तरह के केसेस बढ़े हैं। आधुनिकता का मतलब लोगों में नशा ज़्यादा उपयोग हो रहा है, कुछ लोग आधुनिकता के तौर पे मोबाइल, इंटरनेट, इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ गया है ना। तो इन सब चीज़ों में जो पहले लोगों में इस तरह के केसेस नहीं पता चलते थे और या इन्वॉल्व नहीं होते थे, वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है। ये सामाजिक परिवर्तन की वजह से हो रहा है। दूसरा पारिवारिक वजह, पारिवारिक वजह ये होती है कि परिवार में टूटते परिवार हैं, माँ बाप के और बच्चों के बीच में संवाद की कहीं कमी आ रही है, लोग अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। परिवार जो पहले जॉइंट हुआ करते थे वो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, है ना। बच्चों का एक अपना सर्किल बन गया है, बच्चे अपने माँ बाप से उतने ओपन नहीं रहे हैं। कई बार इस तरह की वजह से, परिवारों की वजह से भी इस तरह के केसेस बढ़े हैं। तीसरा, जैसे मैंने कहा, व्यक्तिगत वजह। व्यक्तिगत वजह का मतलब हुआ कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, कई गलत रास्ते चुन लेता है, गलत संगत का सहारा ले लेता है, नशे का सहारा ले लेता है, तो भी इस तरह के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि ये समाज में जो परिवर्तन है पूरी तरीके से हुआ है, पर लड़कियों के केसेस इसलिए ज़्यादा बढ़ते दिख रहे हैं क्योंकि वो लोग भी इसी समाज का हिस्सा हैं, उनमें भी इस तरह के परिवर्तन इसलिए ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सर, ये बच्चियों और परिवार के बीच क्या सोशल मीडिया एक दूरी का रीज़न माना जा सकता है? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, ये भी एक वजह है। वजह सोशल मीडिया में प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोई ऐसी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लोग आजकल, नेट हर जगह अवेलेबल है, बच्चों के पास, सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया में कई ग्रुप्स बन गए हैं, कई अच्छी बातों के साथ साथ कई गलत बातें भी शेयर हो रही हैं जो कि तर्कसंगत नहीं है, जो कि इस उम्र में नहीं भी जाननी चाहिए,
वो सब बातें भी बच्चे जान रहे हैं, गलत लोगों की संगति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ हद तक इसमें सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है। सर किस आज समाज को किस चीज़ की जरूरत है, क्या आवश्यकता है सर? देखिए समाज में अगर अपन बड़ी सी बात करें तो सिर्फ अभी अपने को अपने परिवार की देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है। परिवार का मतलब माँ बाप को अपने खुद से ही एक उदाहरण देना चाहिए बच्चों को कि अगर वो लोग खुद ही सोशल मीडिया में इतने इन्वॉल्व हैं तो बच्चों को कैसे रोकेंगे, है ना? वो लोग खुद ही नशा कर रहे हैं तो बच्चों को कैसे रोकेंगे, वो लोग खुद ही लेट नाइट पार्टीज़ कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो वो बच्चों को कैसे रोकेंगे। तो पहले खुद का उदाहरण दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात आती है कि बच्चों के साथ संवाद कैसे स्थापित करें, बच्चों को दोस्त की तरीके से, क्योंकि उनकी हम उम्र के हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनसे संवाद स्थापित, एक दोस्त की तरीके से संवाद स्थापित करने की कोशिश करें, जिससे बच्चों के मन को जान सकें, बच्चों के दोस्तों को जान सकें, बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको पता चल सके। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर पाली रस्तोगी हूँ, मैं मनोरोग विशेषज्ञ। रोल सर, कुछ पुलिस वाले आपके यहाँ पर आए थे ना, आपके ट्रेनर को पीछे मोबाइल ले रहे थे किसी इन्वेस्टिगेशन में फंसाने की और उसे किसी तरह की डिमांड कर रखी सामने देखना जी। हमारा एक ट्रेनर है शाद खान करके, तो आज से दो दिन पहले कुछ लोग आते हैं यहाँ पे, और दो दिन पहले आने के बाद जिम पे हमारे फर्जी पुलिस वाले बन के बात करते हैं उनसे, और उन्हें बोलते हैं कि ड्रग्स के अंदर आपका नाम आया हुआ है, और ड्रग्स के अंदर नाम आया है तो ऐसे करके उन्हें बहुत देर तक उन्होंने उलझाया, फिर लास्ट में बोला कि आपका नाम हटाने के लिए 3 लाख रुपये की उन्होंने उनसे डिमांड करी। फिर जो ट्रेनर था उसने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, और फिर कांटेक्ट करने के बाद फिर मैंने आज फिर जब वो लोग आए तो विजयनगर थाने पर मैंने बात करी, और विजयनगर थाने की पुलिस टीम के साथ जाके फिर उन लोगों को वहीं से पकड़ा, रोड के ऊपर खड़े होकर वो समझौता कर रहे थे उससे, उनको पकड़ा और फिर उसके बाद हम उनको थाने लेके आ गए। फिर आगे की कार्रवाई ये सब हुई है कि उनके नाम से एक वो डाला है, आवेदन डाला है, अब देखते हैं आगे की प्रोसेस क्या होती है। कितने लाख की डिमांड की जा रही थी और किस तरह से धमकाया जा रहा था और क्या बताया जा रहा था खुद को? बिना मतलब एक ट्रेनर को उलझा दिया, इनके पास कोई एविडेंस नहीं था, इनके पास किसी चीज़ का प्रूफ नहीं था। अभी जैसे कि ये MD का टॉपिक चल रहा है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, और उस चीज़ में फ़ायदा उठाते हुए जो नार्कोटिक्स टीम के जो कॉन्स्टेबल्स हैं, इन लोगों के दो के नाम आए हैं इसके अंदर, और इन लोगों ने करी थी ये डिमांड, और इनके बड़े अफसरों को भी इस बारे में नहीं पता था। क्या नाम, क्या नाम है? एक का नाम है अरुणेश, अरविंद और अरुणेंद्र मिश्रा करके है, और एक और है, मतलब नाम मुझे थोड़ा सा याद। कितने लोग आए? आपने आई कार्ड बताया था कि इनने आई कार्ड, इनने बताया था आई कार्ड मेरे पास है, मैं आई कार्ड आप लोगों से शेयर कर देता हूं। कितने लोग आए थे? लोग आए थे भैया, दो लोग आए थे, मोबाइल नीचे रख लीजिए, अनुज कुमार करके। कितने लोग आए थे? ये पहले आए थे दो, फिर आज जो आए थे दो लोग, इसमें से एक पुराना वाला था और एक नया था इनका ड्राइवर, वो भी पुलिस वाला बन के इससे बात कर रहा था। कितने बजे आए थे ये? आए थे भैया लगभग सुबह 10:30-11 बजे करीब के। आपका नाम बता दीजिए? मेरा नाम प्रतीक जोशी। क्या है? जिम हमारा ही है। हाँ जी, दो लोग गिरफ्तार हुए हैं सर रिश्वत के मामले में। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के विजयनगर थाने में ड्रग माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी सारे प्रकरण भी दर्ज हो गए हैं, काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, और हमने यह ठाना हुआ है कि जब तक हम इंदौर शहर को ड्रग माफिया से मुक्त नहीं कर देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसी तारतम्य में आज हमें यह सूचना मिली थी कि कुछ लोग पुलिस की इस सक्रियता का लाभ उठा करके अपने आप को पुलिस विभाग के कर्मचारी बता करके जिम ट्रेनर को धमका रहे हैं कि उसका नाम ड्रग माफिया में आ गया है, और यदि वो पैसे नहीं देगा तो उसे 3 लाख रुपए लिए जाएंगे, 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो इस बात की सूचना उसने हम लोगों को दी। ये जरई जिम है, विजयनगर थाना क्षेत्र में ही, उसका ट्रेनर है, उसका नाम शाद है। जब हमने उसमें जाल बिछाया और उसको भेजा बातचीत करने के लिए तो वहाँ पे दो लोगों को पकड़ा है, उन्होंने अपने आप को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कर्मचारी बताया है। हमने इसमें हम प्रकरण दर्ज कर रहे हैं उनके खिलाफ, और उनके साथ ही साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को भी उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए लिख रहे हैं। कहाँ पता चला? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इंदौर
कार्यालय में पदस्थ हैं। सर, उनके अधिकारियों से कुछ बात हुई पूरे मामले को लेकर? उनके अधिकारियों से हमने यही पूछा था कि क्या ऐसा कोई वहाँ उनके यहाँ प्रकरण है या कोई इस तरह से उनको भेजा गया है, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, नहीं भेजा गया है। ये जो भी कुछ कर रहे थे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे थे और उसके लिए दोषी भी यही लोग हैं। सर, कितने लोग थे टोटल? ये टोटल दो लोग हैं, उनके साथ एक ड्राइवर भी है। उस ड्राइवर का ये कहना है कि उसकी इनोवा गाड़ी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगी हुई है, इसलिए वो उनके साथ था, लेकिन हम कुल मिलाकर के तीनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।